आवाम देखने वाली से करवाइए। वाइस चेयरमैन हूं वजीर आला शिकायत सर लाहौर डिवीजन। सर आपकी पूरी जितनी भी क्यादत आज निकली हुई है, आप लोग एक एजेंडा लेके निकले हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग इस तरीके से अपना एजेंडा पूरा कर सकेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान का जो की भी विजन है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। सर जिस तरह आप लोग निकले, क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल होगा? लाजमी इंशाल्लाह 100% होगा। सर आपका आगे क्या प्लान है, आप लोग क्या प्लान लेके निकले कि अभी आप लोग कहाँ जा मूव करके स्टॉप करें? इस्लामाबाद पहुँच के उसके बाद वहाँ से ये बॉर्डर हुकूमत को खत्म करके आएंगे। सर क्या आप लोगों ने वहाँ बैठने धरना देने का प्रोग्राम बनाया है या वहाँ जाके जलसे की सूरत में? वहाँ जाके जो ना जो हमारा लीडर है, जो वर्ल्ड का लीडर है, जो पूरी उम्मत का लीडर है, मुसलमान उम्मत का, वो बताएगा कि उधर क्या करना है। सर एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो आप लोग लॉन्ग मार्च लेके चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जिस जोश और खरोश से अभी आवाम आपके साथ शामिल है, ये पूरे लॉन्ग मार्च में आपके साथ इसी तरीके से शामिल रहेंगे? इंशाल्लाह आगे आगे देखें होता क्या है। सर क्या ये अपने पर्सनल ओन पे सब जा रहे हैं आप लोग इनके साथ, क्या ये पीटीआई क्यादत की तरफ से जो है इसको स्पॉन्सर किया गया? नहीं नहीं, ये सारे लोग अपनी जेब से खर्च करके जा रहे हैं, कोई ये नून लीक के नहीं है, बिरयानी के ऊपर जा रहे हैं, पैसे दे के जा रहे हैं, ये अपनी जेब के ऊपर जा रहे हैं। सर वो क्या जज्बा है जिसने सबको अपनी जेब से पैसा खर्चने में मजबूर कर दिया कि लोग पैसा खर्च के भी जाने पे तैयार? जज्बा तो यही है कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया है, पाकिस्तान को बचाना है, ठीक है, पाकिस्तान से हम है। सर क्या आपको लगता है कि आप लोगों के इस तरह प्रेशराइज करने से जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन का ऐलान कर देगी? इंशाल्लाह उनको तो पसीने सूखे हुए हैं। सर अगर ऐसी बात है तो फिर अभी तक आखिर क्यों गवर्नमेंट की तरफ से आप पे पैमरा ने पाबंदी लगा दी है, इसके अलावा आप लोगों को कवर भी नहीं किया जा रहा, आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जहां आपको बहुत सारा जम्मे कफीर दिखाई दे रहा है, वहां पे आवाम भी बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। ये हमारे साथ एक खातून है जो इस धरने और लॉन्ग मार्च की वजह से बेहद परेशान दिखाई देती है, आए इनसे पूछते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हुआ है आपके साथ, क्या मसला हुआ है जो आप अभी कह रही थी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है? मैं फैसलाबाद आई हूँ, मैं जाना जी हुकूमत के कहने जाना, मैं इतने आई हूँ, मैं कड़ नहीं दिया, ना मैंने पता लगन दिया, ना मेरे को कोई पैसा, ना तेला, ना सवेर दी भुखड़ पानी तुरी है। तो की कहोगे तुसी इस बारे में, जो लॉन्ग मार्च है इसकी वजह से जो जड़ा तानू मसले हो रहे हैं, उसके बारे में की कहोगे, की कहना चाहते हो इन्हें? मैं पैसे दें, मैं जाना किसे पास, मैं खर्चा दें। तो तुम्हें पता नहीं आज लाहौर के लॉन्ग मार्च है? मैं नहीं पता है। तो तुम्हारे वास्ते आवाम, इमरान खान साहब कहते हैं आवाम वास्ते ही निकले हैं, तो आवाम ही कह रही कि असं खुश नहीं है, तुम की कहोगे तुम्हारे वास्ते तो लोग निकले तुम्हारे मुतालबों वास्ते? वो तो ठीक है, हूँ साढ़े को किराया नहीं, अच्छे पिंड था जो मैं तो सियानी हूँ बुढ़ी हूँ, मैंने तो पता ही नहीं गा उतों का, तो मैं पुछ पुछ के जानी, मैं उत्थे उन्हें ला दिता, मैं हूँ पता नहीं है ना मेरे कोल कुछ है, सवेर दी भुखण पानी तुरी है। बहुत शुक्रिया मां जी। नाजरीन आपने देखा कि आवाम सिर्फ और सिर्फ जोशो खरोश में इनके साथ शामिल नहीं है, ये एक और हमारे साथ हजरत मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बल्ले लीडर हैं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। कादियान से कैदियान के बाद ये हमारा पहला लीडर है, माशाल्लाह अल्लाह इसको ज़रूर कामयाब करें, और हक और सच की बात जब भी करते हैं बहुत दिल खोल के करते हैं, बहुत दिल खुश होता है, हम इस इनको इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करेंगे, हमारा लीडर इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, आप आएगा, आप बारी हमारे लीडर की है। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। क्या आप लोगों को लगता है कि आपको जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं इमरान खान साहब वो ख्वाब पूरे कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमारे जो ख्वाब हैं ये लीडर हमारे जरूर पूरे करेगा इंशाल्लाह रब दे फजल नाले। पिछले 75 साल से यही होता आ रहा है कि लीडरान आपको ख्वाब दिखाते हैं, आप लोग उनके नारे लगाते हैं, आवाम हमेशा उनके पीछे चलती है, और हर बार आपके साथ यही होता है कि आपके ख्वाब दिखा के तोड़े जाते हैं, अपने फायदे हासिल किए जाते हैं, आपको लगता है कि इस बार ये नहीं होगा? नहीं, ये सच्चा लीडर, ये हो जाए सच्चा लीडर कभी नहीं पैदा होते हैं, ये अपने लिए नहीं होते, ये अपने लिए नहीं, ये मुल्क के लिए काम कर रहा है, मुल्क के लिए जीता है, इसका जीना मरना पाकिस्तान में है, बाहर नहीं है। अगर अगर ये अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और गवर्नमेंट इलेक्शन का ऐलान कर देती है तो आप लोग फिर इनके लिए वोट करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ये हमारा लीडर है, इससे बढ़ के हमारा लीडर को हो ही नहीं सकता। जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है, आवाम इमरान खान के साथ है। ये एक और खातून है हमारे साथ यहाँ मौजूद है, ये भी बात करना चाह रही है, आइए इनसे जानते की क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? रशीदा बीबी। रशीदा बीबी मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे धरने में इस वक्त मौजूद हैं, अपना घर बार छोड़ के, क्या वजह है कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं?
पाक फौज जी है ना जिधरों पैसे मिलते हैं उधर टुर जाती है। साढ़े पाकिस्तान कर्जेदार करन लई पाक फौज करन लई है, कभी वो बनती कभी वो बनती, करोड़ों के हिसाब से पैसे लेंदे आ ते ओ फिर फौज लैके बाहर नट जाती है तो पाकिस्तान लाउन दिया पैसे। माँ जी 75 साल से अगर आपका मुल्क बचा चला आ रहा है तो वो इसी फौज की वजह से बचा चला आ रहा है, वरना आज आपका पाकिस्तान सफा हस्ती से खत्म हो चुका है। गलत गल आ, फौज की फौज ने सानू खत्म किया है। जो फौज कहे ना असं पैसे नहीं लेंगे हक की तकड़ी तोलेंगे तो कभी साड़ी वाम डुबे ना, साड़ी वाम सारी डुब चुकी हो।